हर हर महादेव। तो अठारह महीना का आखिरी सोमवार है अधिक मास का, तो आज हम विशेष पूजा करेंगे। तो इसका वीडियो बना रहे तो आप देख सकते हो कि हम श्रावण मास के अधिक मास के आखिरी सोमवार की विशेष पूजा कर रहे हैं। तो पहले हम पास जल से इसका अब दूध इसको महादेव जी को अर्पण कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि हम महादेव जी को दूध अर्पण करेंगे, दूध से अभिषेक करेंगे, दूध का अभिषेक करेंगे। तो आप देख सकते हो कि महादेव जी को दूध हमने अभिषेक करना शुरू कर दिया है। तो देख सकते हो कि महादेव जी को दूध चढ़ाने का बहुत ही फायदा होता है। तो महादेव जी को हम हर रोज दूध चढ़ाते हैं, तो देख सकते हो हम दूध चढ़ा रहे हैं। इसके बाद हम जल से महादेव जी को और सेवा करेंगे, तो वो पूरा दूध चढ़ा चुके हैं और अब महादेव जी को हम जल अर्पण करेंगे। तो आप देख सकते हो कि वो महादेव जी को हमने पूरा चढ़ा दिया है, दूध चढ़ा दिया। तो हम जल से इसको स्नान कराएंगे, तो घिस घिस के हम जल से पूरा दूध को हम साफ करेंगे। इसके बाद हम जल अर्प दे रहे हैं। इसके बाद हम दही से हम महादेव जी का अभिषेक करेंगे। तो लाए दही, एक बाल्टी भर के हम दही लाए, दही से हम महादेव जी का अभिषेक करेंगे। तो हमने जल से वो साफ कर दिया है माँ शिवलिंग को, अब करेंगे दही से अभिषेक करेंगे। तो देख सकते हो कि दही को हम मिक्स करें, मिक्स करने के बाद महादेव जी को दही से अर्पण करेंगे, दही से अभिषेक करेंगे। तो दही को भी वो शुभ माना जाता है, जब पंचामृत बनाएंगे महादेव जी का। तो देख सकते हो कि हमने पहले दूध से अभिषेक किया है, अब दही, इसके बाद शक्कर डालेंगे, सबसे इसका अभिषेक करेंगे। तो देख सकते हो कि हम दही को मिक्स कर दिया। इसके बाद हम अभिषेक करने के लिए वो दही थोड़ा डाला है, इसको हम घिस घिस के महादेव जी को वो कर रहे अभिषेक कर रहे। तो हम इसके बाद हम दही से अभिषेक करेंगे, इसके बाद हम लगाएंगे शक्कर इसके ऊपर। तो देख सकते हो कि हमने दही लगा दिया है और दही को घिस घिस के वो शिवलिंग को हम चढ़ा रहे हैं। इसके बाद इसका पंचामृत बनाएंगे, तो इसका हम अभिषेक करेंगे। तो वो देख सकते हो कि हमने पूरे वो शक्कर नीचे थी वो आ गई, तो शक्कर को भी घिस घिस के वो शिवलिंग पे लगा रहे। तो चारों मित्र घिस घिस के वो बातचीत दही बचा था वो डाल दिया है, और दही को से भी हम इसको बाद शक्कर को घिस घिस के कर रहे हैं। इसके बाद हम लगाएंगे दही। तो देख सकते हो कि दही है वो महादेव जी का, आज आखिरी सोमवार है अधिक मास का, तो इसकी विशेष पूजा कर रहे हैं। तो इसका भी वीडियो बना रहे हैं, तो जिसको देख सकते हो इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और अपने मित्रों के साथ वो बांट सकते हो। तो देख सकते हो कि हमने पंचामृत करने के लिए वो दही ले लिया है, इसका हम सेवन करेंगे। तो देख सकते हो कि थोड़ा लिया है, बाकी थोड़ा इधर से लेंगे। तो शिवलिंग पर पहले लगाया था, अब ले ले तो शिव चरणामृत बनाएंगे। तो देख सकते हो कि इसके चरणों का हम फिर से करेंगे, तो थोड़ा सा ले लिया है इसका हम, बाकी हम घिसेंगे, घिस घिस के हम इसका वो लगा रहे हैं। तो इसकी विशेष पूजा है, तो आज आखिरी सोमवार है, इसलिए हम सबका इसके बाद हम अच्छे इसका अभिषेक करेंगे। तो लाए पानी डालेंगे, पानी साफ होने के बाद हम मच्छे इसका अभिषेक करेंगे। तो देख सकते हो हम घिस घिस के वो कर रहे हैं, तो सब साफ करके इसके बाद अब मध लगाएंगे। तो दही शक्कर और दूध अब मध लगाएंगे, तो पंचमूर्त तरीके से इसका हम अभिषेक करने वाले आज पांच वस्तुओं से। तो देख सकते हो कि जल, दूध, दही, शक्कर और फिर से हमने शक्कर डाल दिया। देख सकते हो कि महाराज जी ने शक्कर डाला है, हमने बहुत घिस घिस के इसका भी हम अभिषेक करेंगे। तो शक्कर है, तो शक्कर का भी देख सकते हो कि शक्कर डाला है। इसके बाद हम घिस रहे हैं पूरी तरह से, तो शक्कर डालने के बाद हम घिस रहे हैं। तो देख सकते हो कि शक्कर डाल दिया था। इसके बाद हम जल से भी साफ, तो पहले पानी लगाया था दूध, बाद में दही, शक्कर और मध लगाएंगे। तो हमने मध पर लगा दिया और हम इसका वीडियो नहीं आया, लेकिन हम इसको सजावट कर रहे हैं। तो देख सकते हो कि आंकड़े की फूल की माला बनाई थी, और धतूरे के फूल है, वो आसोपालो की पत्तियाँ है, सबसे हमने उसका श्रृंगार करेंगे। वो करणी के फूल है, इसका भी हम श्रृंगार करेंगे, तो दिखाएंगे आपको आगे वीडियो में। तो देख सकते हो कि धीरे धीरे श्रृंगार करना शुरू कर दिया है, तो एक एक पंखड़ी रख के इसका पूरा श्रृंगार करेंगे। तो हमने आज बहुत सारे फूल लिए, वो गुलाब के फूल भी है, वह सब फूल मिलके हमने वो लाए। देख सकते हो कि वाइट फूल और केसरी फूल मिलके, पीले फूल मिलके हम इसका श्रृंगार करेंगे। तो देख सकते हो कि आज वो अलग तरीके के वो भैया बोल रहे थे कि अलग तरीके से डिज़ाइन बनाएंगे, तो आज अलग तरीके आधे फूल इस तरफ, आधे फूल इस तरफ, इस तरह से हम बनाएंगे। तो इसका भी वीडियो बनाएंगे। तो देख सकते हो कि हम आगे हमने स्टार्ट कर दिया। देख सकते हो कि एक साइड हमने सफ़ेद और एक साइड पीले फूल रखना शुरू कर दिए, ये आगे इसके हम स्टार्ट करेंगे। तो देख सकते हो कि बीच में फूल बना रहा है, इसमें वो पंखड़ियाँ लाल लगाएंगे, तो इसका भी वो
सिंघार बहुत बढ़िया दिखता है, तो देख सकते हो कि आगे हम कर सिंघार करना स्टार्ट कर दिया है। वो फूल है इधर रख दिए थे, वो फूलों से भी करणी के फूल है, वाइट फूल है, अशोक लपतिया, धतूरा, गुलाब और फूल भी बहुत सारे अलग अलग। तो देख सकते हो कि फूलों को भी हम बाज़ार में से नहीं, बगीचे से तोड़ कर लाए, अपने बगीचे से जो मंदिर में बगीचा है इधर से ही सब फूल लाए, बाज़ार से कोई भी फूल नहीं लाए। तो देख सकते हो कि हमने वो स्टार्ट कर दिया था। धीरे धीरे इसमें मेहनत तो बहुत लगती है, लेकिन हमने स्टार्ट कर दिया है। तो देख सकते हो कि हमने वो लगाना स्टार्ट कर दिया है, इसमें हम लगा रहे हैं फूल लगा रहे हैं। तो वो चार पांच फूल मिलकर हमको इसको कुल फूल बनाएंगे। इसका वीडियो दिखा देख सकते हैं, इसमें कर कर के एक फूल डालेंगे कुल भी कलर का, तो इसका भी वो चिंगार बहुत बढ़िया दिखता है। तो वो हमने स्टार्ट कर दिया, देखते हैं। और जासूद के भी फूल है, तो देख सकते हो वो लाल फूल भी इसमें लगा लिया है। तो इसका वो फूल का वो कलर था वो कितना बेहतर दिख रहा है, देख सकते हो आप। मैं भी दूसरे में भी डाल दिया है, तो दूसरे में भी सिंगार देख सकते हो। तो स्टार्ट कर दिया था, वो आधा पूरा हो गया। तो देख सकते हो कि वो करते करते टाइम तो लगता है, लेकिन हर रोज़ तो 1-2 घंटे आकर हम इसका सिंगार करते हैं। तो देख सकते हो इसे धीरे 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 कर कर करके पूरा सिंगार करेंगे, तो इसका पूरा भी वीडियो दिखाएंगे, सिंगार हो जाएंगे, इसके बाद पूरा वीडियो दिखाएंगे। तो आप देख सकते हो कि इतना सिंगार किया है, धीरे धीरे जो गुल फूल इस तरफ थे इसको इस तरफ कर दिया, वाइट फूल बाहर रख दिए। तो देख सकते हो कि अलग डिज़ाइन दिख रही है। और वो अगली बार तो ऐसे किया था कि वो पीले फूल अंदर और सफ़ेद फूल बाहर रखे थे, इसलिए वो इसके डिज़ाइन तो बढ़िया लग दी। वो डिज़ाइन करके हम दिखाएंगे आपको, तो वो कैसी दिख रही है दिखा सकते हो कि 10-10 फूल हमने रखे, 10 फूल पीले, 10 फूल वाइट इस तरफ, तो 10 फूल इस तरफ रख कर हमने इसका श्रृंगार करना स्टार्ट कर दिया। तो देख सकते हो कि जो इतना श्रृंगार करते करते इधर तक तक, तो आप गाइस देख सकते हो मैंने पूरा श्रृंगार कर दिया। इसका पूरा वीडियो दिखा रहे, तो देख सकते हो कि वो पिंपल के पान पे शिव का नाम लिख के भी इसका वीडियो वो बनाया है। तो आप देख सकते हो कि वो साथिया भी बनाया है, ओम नमः शिवाय पत्ते पर लिख कर हमने रखा है। तो देख सकते हो इसका भी श्रृंगार वो समलेश्वर महादेव का, इस पर भी शिव और इसमें पूरे वो करणी के फूल से हमने श्रृंगार किया है। तो देख सकते हो कि वो आपको इतना बढ़िया दिख रहा है, और वो माता जी का भी दिखा रहे हैं। तो आगे हम दूतेश्वर महादेव जी का दिखाएंगे, तो दूतेश्वर महादेव जी को भी हमने शिव पीपल पे पान पे शिव का नाम लिख कर इसका श्रृंगार किया है। तो आज हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे वीडियो को जितना बने इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।